हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसजी इंग्लिश। इस लेसन में हम लोग करेंगे कुछ लैटिन फ्रेजेस जो कि इम्पॉर्टेंट है एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला इडियम फ्रेज आपकी स्क्रीन पे है लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली या शार्पली, मतलब बहुत तेजी से जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, बहुत तेज़ी से, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इस टाइम पे इंडिया में जो कोरोना वायरस का ग्राफ है वो कैसे बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी जैसे परसों ही साइक्लोन अम्फन आया, सुपर साइक्लोन अम्फन मूव टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, यानी कि बहुत तेज़ी से वो वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ा है। सेकेंड जो idiom फ्रेज है वो है कॉक एंड बुल स्टोरीज। अब ये कॉक एंड बुल स्टोरीज क्या बोला है, भले कॉक एंड बुल स्टोरीज का मतलब होता है भैया बे सिर पैर की कहानी, एन अब्जर्ड एंड अनलाइकली स्टोरी यूजुअली नॉट ट्रू यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, यानी बे सिर पैर की कोई कहानी गढ़ना। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे, रमेश नरेटेड अ कॉक एंड बुल स्टोरी ऑफ एनकाउंटरिंग अ गोस्ट एंड हैविंग डिनर विद इट। अब खुद सोचिए, अगर रमेश ये बता रहे हैं अपने कलीग्स को ऑफिस में कि भैया कल तो उसने एक भूत के साथ डिनर किया, ठीक है, एक भूत से मिला और उसके साथ डिनर किया, तो आप लोग क्या बोलेंगे, यार ये तो बिल्कुल बे सिर पैर की कहानी है। ठीक है, तो वो बे सिर पैर की कहानी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि बिल्कुल ही बकवास स्टोरी जिस पर बिलीव नहीं हो सकता। अब कई बार ऐसा होता है ऑफिस में, देखिए आप जब अपने बॉस के बहुत से बहाना बना रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं कि भैया मेरी कार खराब हो गई थी या मेरा स्कूटी खराब हो गया था इसकी वजह से मैं लेट हो गया, तो आपका बॉस क्या सोचता है, आपका बॉस सोचता है भैया ये कॉक एंड बुल स्टोरीज मुझे मत दो तुम, ठीक है अपने काम पे लग जाओ। ठीक है, तो कॉक एंड बुल स्टोरीज मतलब एन एब्जर्ड एंड अनलाइकली स्टोरी। नेक्स्ट है इवनिंग ऑफ लाइफ। अच्छा, एक दिन में अगर मैं बात करूँ भैया कितने सारे पड़ाव आते हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग आता है जब सूरज उग जाता है, फिर मॉर्निंग आ जाता है, देन मिड आफ्टरनून आता है, देन आफ्टरनून आता है, रात से जस्ट पहले क्या आता है, रात से जस्ट पहले आता है आपका इवनिंग ऑफ लाइफ। उसी तरह से अगर आप इसे रिलेट करोगे एक आदमी की ज़िंदगी से, तो इवनिंग का क्या मतलब निकलेगा भैया, ओल्ड एज। ठीक है, यानी कि बुढ़ापा। अब बुढ़ापा होगा भैया तो आदमी कमज़ोर भी होता है। पीपल इन द इवनिंग ऑफ लाइफ नीड लव एंड केयर, यानी कि लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, जो अपनी ओल्ड एज में हैं, उनको क्या चाहिए, उनको प्यार चाहिए और केयर चाहिए। ठीक है, तो बुढ़ापा होता है इसका मतलब ओल्ड एज का और इवनिंग ऑफ लाइफ का। अच्छा, नेक्स्ट है अ लाइव वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की लाइव वायर को अगर आप कभी टच कर लो, यानी कि बिजली दौड़ रही है जिस वायर पे, अगर आप उसे एकदम से टच कर दोगे तो क्या होगा, एकदम से झटका लगता है। ठीक है, एकदम से झटका लगता है आपको, तो ये झटका जो है बेसिकली क्या है, ये इट इज़ एनर्जी। ठीक है, तो वैसे ही अगर कि कोई आदमी लाइव वायर है, जैसे कि सेंटेंस देखिए यहाँ पे, रणवीर सिंह इज़ अ लाइव वायर बट हिज सिस्टर इज़ क्वाइट। लाइव वायर है मतलब कि क्या मतलब है इसका, लाइव वायर है यानी कि वो जोश और उमंग से भरा हुआ है भाई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जोश है उसके अंदर भरा हुआ, वो ढीला ढाला नहीं रहता है या चुपचाप नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे रणवीर सिंह बिल्कुल लाइव वायर है और उसकी सिस्टर कैसी है, उसकी सिस्टर एकदम क्वाइट है, जोश और उमंग से भरा होना। ठीक है, लाइव वायर का मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब भैया खिंचाव किसी तरह का या किसी तरह का दर्द दबाव। ठीक है, अगर आप अपनी हर नस पे स्ट्रेन डाल रहे हैं, ठीक है, दर्द डाल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि आप किसी काम को करने के लिए हर एक पॉसिबल एफर्ट डाल रहे हो, हर तरह की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बोलते हैं ना यार खून पसीना एक करना, तो ये स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब ही है कि खून पसीना एक कर देना। ठीक है, जब आप खून पसीना एक करके कोई काम करते हो तो उसे स्ट्रेन एवरी नर्व बोलते हैं। इंडिया हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू स्ट्रेन एवरी नर्व टू डील विद द कोरोना वायरस एपिडेमिक। भारत के पास कोई और चारा नहीं है इसके अलावा कि वो हर पॉसिबल एफर्ट डालें कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव हो सके। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन एवरी नर्व। नेक्स्ट देखिए, वेट बिहाइंड ईयर्स। ठीक है, वेरी यंग नाइव एंड इनएक्सपीरियंस्ड। अच्छा, नाइव का क्या मतलब होता है, यहाँ पे नाइव वर्ड आपने सुना है, नाइव का क्या मतलब होता है, नाइव मतलब भोला भाला। ठीक है, जिसके अंदर दुनियादारी की ज़्यादा समझ ना हो, बिल्कुल भोला भाला हो, जैसे हम बोलते हैं कई बार
यार वो तो गाय की तरह है, वो आदमी गाय की तरह है, यानी कि वो आदमी कैसा है, वो आदमी बिल्कुल नाइव है, बिल्कुल भोला भाला है, ठीक है, उसके अंदर चालाकी नहीं है किसी तरह की। अच्छा नाइव का उल्टा क्या होता है, कौन बताएगा? नाइव का उल्टा होता है एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं नेव। नाइव का उल्टा होता है वर्ड जिसको हम बोलते हैं नेव, ठीक है। एक इस तरह का आदमी जो भैया बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, चालाक है, उसको दुनियादारी की समझ है, उसको पता है किस तरह से चीटिंग करनी है, किस तरह से अपना काम निकालना है, एंड सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब होता है नेव। तो वेट बिहाइंड ईयर्स का मतलब होता है भैया, अभी आपको बताया, वेरी यंग, नाइव एंड इनएक्सपीरियंस, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया, उसमें जो ऋतिक रोशन का रोल होता है, जिससे जादू से पहले, ठीक है, तो उसका रोल कैसा होता है, वो भैया बिल्कुल भोला भाला होता है और उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है दुनिया का, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे तो आप बोल सकते हो अकल का कच्चा होता है वो, ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है वो। तो स्कूल किड्स आर वेट बिहाइंड द ईयर्स बिफोर एंटरिंग कॉलेज, ठीक है। जो स्कूल के बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, दे आर वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, ज़्यादा उनको अकल नहीं होती है दुनियादारी की कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो बहुत ज़्यादा नेव जैसे बन जाते हैं, KNAVE, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिशियंस आर वेट बिहाइंड द ईयर्स व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अर्थव्यवस्था वाली जो पॉलिसीज लेके आते हैं उनको उसका ज़्यादा पता वता होता नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, अंडर अ क्लाउड। अच्छा कोई चीज़ अगर अंडर अ क्लाउड है, इसका मतलब है कि भैया उस चीज़ के ऊपर संशय है, उस चीज़ के ऊपर सस्पिशन है, किसी तरह का डाउट है उस चीज़ पे, चाहे वो चीज़ हो चाहे वो व्यक्ति हो, किसी भी तरह का आप बोल सकते हो, इस तरह का व्यक्ति जिसके ऊपर आपको क्या है, आपको भरोसा नहीं है उस आदमी के ऊपर, क्योंकि उसने हो सकता है ऐसा कोई काम किया हो आपके साथ, या उसने चीट किया हो, करप्शन किया हो, जिसकी वजह से उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और वो आदमी किस तरह किस में है, सस्पिशन में है, संशय में है, शक में है, ठीक है। देखिए सेंटेंस, ही हैड टू रिजाइन एज ही वॉज अंडर अ क्लाउड आफ्टर बींग इन्वेस्टिगेटेड फॉर करप्शन। उस आदमी को क्या करना पड़ा, उस आदमी को भैया अपना इस्तीफा देना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर शक था कि इसने करप्शन किया है, इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसने भैया अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन अ नट शेल, इन अ नट शेल। अच्छा अगर आप नट के शेल को देखोगे, यानी कि उसके अंदर के पार्ट को देखोगे, शेल को देखोगे, तो कैसा होता है, अरे भैया बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। अखरोट का अगर शेल देखोगे बहुत छोटे साइज़ का होता है, ठीक है, इतने बड़े साइज़ का नहीं होता है। तो कोई बात, अगर मैं किसी बात को इन अ नट शेल कहूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मैं बहुत संक्षिप्त में ये बात कहूँगा, यानी कि इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, यानी कि सबसे कम शब्दों में मैं ये बात कह दूंगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मैं ये बात कह दूंगा। एग्जाम्पल देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, प्राइसेज आर इंक्रीजिंग, इन अ नटशेल द इकोनॉमी इज इन ट्रबल ड्यू टू द पेंडेमिक। भैया बेरोजगारी बढ़ रही है, जो प्राइस है चीज़ों का वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब हल्के से मैं बात करें, संक्षेप में बात करें, तो जो इकोनॉमी की हालत है, जो अर्थव्यवस्था की हालत है, वो ठीक नहीं है इस पैंडेमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से। तो इन अ नटशेल का मतलब क्या हो गया, जैसे बहुत छोटा है, संक्षिप्त में कोई बात कहना, ठीक है, इन शॉर्ट कोई बात कहना। नेक्स्ट आते हैं एज डाफ्ट एज अ ब्रश, ठीक है। डाफ्ट का जो मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे डाफ्ट का जो मतलब है, डाफ्ट का मतलब होता है सिली या फिर स्टूपिड, ठीक है, यानी कि बेवकूफ, जिसे आप हिंदी में बेवकूफ कहते हैं। तो सिली और स्टूपिड का मतलब होता है डाफ्ट। तो यहाँ पे जो डाफ्ट है, एज डाफ्ट एज अ ब्रश, वो भी बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल हुआ है ये फ्रेज, वेरी सिली और स्टूपिड, कोई बहुत ही बेवकूफों वाली बात करना, या फिर कोई बेवकूफ आदमी होना, ठीक है। रमेश इज अ नाइस बॉय बट ही इज एज डाफ्ट एज अ ब्रश, यानी कि रमेश जो है, लड़का तो बहुत अच्छा है भैया, लेकिन वो क्या है, ही इज स्टूपिड, बेवकूफ लड़का है, ठीक है, उसे ज़्यादा अकल वकल है नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ है वो। नेक्स्ट आते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि अ मैन हु इज वेल वर्स्ड इन लिटरेचर, अ मेल स्कॉलर और राइटर, ठीक है। एक इस तरह का आदमी जो भैया लिखा पढ़ी में बिलीव करता हो और लिखा पढ़ी बहुत करता हो, ठीक है। लिखा पढ़ी करने वाला आदमी किस तरह का होगा,
अरे भाई लिखा पढ़ी करने वाला आदमी एक विद्वान व्यक्ति होगा, एक इस तरह का व्यक्ति होगा जिसको बहुत ज़्यादा पता है चीज़ों के बारे में। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पंडित जो पुराने ज़माने के होते थे वो कैसे होते थे, दे वर मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि उनको बहुत पढ़े लिखने में पढ़ने लिखने की आदत थी या पढ़े लिखे थे वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो विद्वान होना, पंडित होना, या फिर वो व्यक्ति होना जो भैया साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हो या लिखा पढ़ी में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हो, तो वो आदमी को क्या बोलते हैं, मैन ऑफ लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि जो स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो क्या थे, ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। आप बोल सकते हो भैया विलियम शेक्सपियर जो है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर भी एक बहुत बड़े ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा विद्वान थे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ वाइल्ड गूज चेज, ठीक है, अ वाइल्ड गूज चेज। अच्छा आप में से किसी ने कभी जंगली मुर्गे को पकड़ने की कोशिश की है? मुझे पता है जंगली मुर्गा पकड़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वाइल्ड गूज चेज है, जंगली मुर्गे को पकड़ने की जो चेज है, जो पीछा कर रहे हो आप, वो काम कैसा होगा, वो काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। एक मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको एक मुर्गी दिख गई, जंगली मुर्गी दिख गई, ठीक है, ये ब्रॉयलर मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो आप बाज़ार में लेने जाते हो। अगर आप जंगली मुर्गी के पीछे भागोगे तो भैया वो तो उड़ती भी है, भागती भी है, दौड़ती भी है, और जंगल में तो बिल्कुल ढूंढ ही नहीं पाओगे आप उसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसको सर्च करते रहोगे, एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, तो वो सर्च कैसी हो जाएगी, एक पॉइंटलेस सर्च हो जाएगी, ठीक है, एक पॉइंटलेस सर्च हो जाएगी, एक निरर्थक खोज हो जाएगी, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, निरर्थक खोज है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल खोज रहेगी, और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो खोज आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल एक पॉइंटलेस सर्च होगी, ठीक है। तो अ पॉइंटलेस सर्च, अ चेस फॉर समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर रीच। अच्छा एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रवासी हैं, माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी हैं जो दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं अभी कोरोना वायरस की वजह से। तो ये लोग जब इनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जा रहा है, जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे रखा जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भैया वहाँ से भाग जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पुलिस है, पुलिस क्या कर रही है, फिर वाइल्ड गूस चेस कर रही है, उनको पता नहीं है कहाँ ढूंढना है, वो भी बेचारे पागलों की तरह उन्हें ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ही होता है वाइल्ड गूस चेस करना, यानी कि एक अनफ्रूटफुल वर्क करना जिसका फ्रूट मिलना ना मिलना बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा डाउट में है, ठीक है, एक ऐसा काम जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अ वाइल्ड गूस चेज। आप एक और तरीके से वाइल्ड गूस चेज का इस्तेमाल कर सकते हो कि भैया जो वैक्सीन की खोज हो रही है इस टाइम पे पूरी दुनिया में, सारी की सारी दुनिया लगी हुई है एक वैक्सीन की खोज में कोरोना वायरस की वजह से, तो दे आर ऑल ऑन अ वाइल्ड गूस चेज। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उसकी खोज जो है, जिसको वो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा, या फिर वो एक पॉइंटलेस सर्च हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, बर्न योर बोट्स। अच्छा सोचिए आप लोग एक आइलैंड में जा रहे हैं, ठीक है, एक आइलैंड में आप लोग जा रहे हैं, और उस आइलैंड में जाते वक्त ही क्या हुआ, आप जैसे ही उतरे आपने भैया अपनी जो बोट थी, नाव थी, वो जला दी, तो इससे क्या होगा, अब भैया आप वापस नहीं जा सकते, आप अब कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे अपने घर, क्यों, क्योंकि आपने बोट का क्या किया, आपने बोट जला दी अपनी। तो बर्न योर बोट्स का मतलब यही होता है, टू डू समथिंग दैट कैनॉट बी इजिली अंडन और रिवर्स्ड इन द फ्यूचर, यानी कि कोई और रास्ता ना छोड़ना पीछे लौटने का, मतलब सभी रास्ते बंद कर देना। एग्जाम्पल देखिए, एज मोर एंड मोर बिजनेसेस प्रमोट वर्क फ्रॉम होम, इट सीम्स दैट बर्निंग द बोट्स ऑन द प्री कोविड 19 एरा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, थैंक यू।